हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो एनडीए के ऊपर स्पेशल सेशन है। आप लोगों के हमेशा बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं एनडीए को लेके, तो ये सेशन जो है, जो अभी आप सितंबर में एग्जाम होने वाला, उसके लिए तो काम आएगा ही आएगा, और आगे के जितने भी, जैसे अभी यूपीएससी ने 21 का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर दिया, तो 21 में एनडीए कब होगा, एज लिमिट क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है, कब से स्टार्ट करना है, 10th से 11th से क्या क्या सिलेबस है, SSB का प्रोसेस क्या है, यानी हर वो छोटे छोटे कंफ्यूजन या डाउट जो आपके दिमाग में आते हैं, ये इस सेशन में मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सेशन लिए एनडीए के, पर कभी कभी कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं जो आप हमेशा पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक सेशन में आपके लिए बनाऊं जो अभी आने वाला एग्जाम है सेप्टेम्बर में, जब भी काम आएगा, और यदि कोई बच्चा 10th में, उसके लिए भी सेशन काम का, 11th में उसके लिए भी, 12th में उसके लिए भी, 12th पास है उसके लिए भी। कई क्वेश्चन एज को लेके बहुत होते हैं, ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे बच्चे भेजते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे एनडीए के कितने अटेम्प्ट बचे। तो मैं उन्हें बोलता हूं कि एनडीए में कितने अटेम्प्ट बचे ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आपकी एज क्या है। फिर एक और क्वेश्चन कि सर एनडीए में ये कहा जाता है कि एनडीए की जो एज होती है वो 69.5 से 99.5 होती है, मैं तो अभी 19 साल का हूं, फिर मैं क्यों नहीं दे सकता। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कट ऑफ को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कट ऑफ कैसे देखते हैं। ये एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की कि सर जीएटी में इंग्लिश का कट ऑफ अलग होता है, हिस्ट्री का अलग होता है, कई सारी वेबसाइट में ऐसा कहा गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि बताइए किस वेबसाइट में कहा गया। सर एनडीए में अगर मेरे 12th में अगर 55 है तो मैं तो एनडीए दे ही नहीं सकता, क्योंकि एनडीए में 75% मांगते हैं। ये मैं पहले आपके वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो इस सेशन में कवर करने वाला हूं। एनडीए में तो 75 मांगते हैं। अभी एक स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू डाला हुआ, आप देखिएगा, राज पटेल का 48% पे भी सिलेक्ट हुआ, क्योंकि एनडीए रिटर्न एग्जाम है, उसमें परसेंटेज नहीं देखा जाता, टीईएस में देखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारी बातों को मैं डिटेल में इस सेशन को बताऊंगा। इवन SSB पूरा प्रोसेस भी क्या है वो भी बताऊंगा। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये सेशन अभी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अगले 15 दिन बाद, तो भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि क्या करना है नेक्स्ट 15 डेज में, और आगे के अगर एनडीए देने वाले हैं तो उसकी भी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यूपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया, जिसमें कई सारे एग्जाम्स होते हैं। हमारा फोकस इस सेशन में केवल एनडीए को लेके है, तो मैं अभी आपसे एनडीए की ही बात करूंगा। तो जैसे एनडीए के अगर मैं वन की बात करूं, एनडीए वन की बात करूं, अगर मैं एनडीए वन की बात करूं तो देखिए क्या है, एनडीए वन का जो पेपर है, एनडीए एनए वन 2021 की बात करूं, वो है, पेपर की डेट है 18 अप्रैल, अप्रैल के हमेशा थर्ड या फोर्थ संडे को ही होता है, वही 18 अप्रैल को पेपर है, और 18 अप्रैल को पेपर है, जिसका नोटिफिकेशन इस बार दिसंबर में रिलीज होगा, यानी 30 दिसंबर को आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। यूपीएससी अपनी पूरी चीजों को, साल भर के कैलेंडर को मैनेज करके रखता है, ड्यू टू कोविड इस बार ये चीजें डिले हुई हैं, नहीं तो इनका जो कैलेंडर आता है कभी कोई चेंजेस नहीं होते। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बच्चा एनडीए 1 2021 देने वाला है, उसको 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन मिलेगा, 19 तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेगा, और 18 अप्रैल को वो एग्जाम देगा। ये हुआ एनडीए वन की बात, राइट। अब मैं बात करता हूं एनडीए टू की। तो एनडीए टू की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या है, एनडीए टू की भी यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियरली दी हुई है डेट। एनडीए टू हमेशा जो एग्जाम होता है, एनडीए टू का जो एग्जाम होता है वो भी सेप्टेंबर में ही होता है। जैसे अगर मैं 2020 की बात करूं तो 6 सितंबर को है, तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो 5th ऑफ सितंबर को एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन 9th जून को आएगा, और इसकी लास्ट डेट है 29th। ये एक मैं आपको टेंटेटिव मतलब ये बता रहा हूं कि पहले तो ये डेट है। एज क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, मैं आपको कट ऑफ को लेकर बहुत क्लियर करने वाला हूं, जिसमें सबसे कट ऑफ और एज, ये दो चीजें हैं जिसमें हाईएस्ट कंफ्यूजन होता है, जो इस सेशन के बाद 100% श्योर हूं कि नहीं होगा। फिर आपको अपने आप को SSB के लिए कैसे तैयार करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि SSB कोई 10 दिन की ट्रेनिंग से नहीं आएगी। SSB आपकी एक रियल लाइफ स्टाइल है, मतलब आप अपनी लाइफ में कितने डिसिप्लिन है, कितने पंचुअल हैं,
कितने ऑनेस्ट हैं इस, ये एक डेवलपमेंट होता है एसएसबी। कई लोग सोचते हैं कि एसएसबी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग है, मेंटली आप कितने डिसिप्लिन है। ये तो ये जो डेट है 21 की हमारे पास आ चुकी है, एनडीए 1 और एनडीए 2 की। सीडीएस की भी आ चुकी है, उसका मैंने सेपरेट सेशन ले लिया है। तो ये एनडीए 1 एनडीए 2 की डेट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मुझे आपसे बात करनी है, अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में मैथमेटिक्स एक पेपर है जो 2.5 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कि टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। पेपर टू जो होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे हम जीएटी बोलते हैं, इसके सिलेबस पे आता हूं, वो भी 2.5 घंटे का होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें 600 मार्क्स होते हैं। यानी रिटन टेस्ट जो है वो 900 मार्क्स का है। रिटन में जो भी स्कोर हो आपका, उसके बाद अगर आप रिटन के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, तो आप सेकेंड स्टेज यानी एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हैं। एसएसबी वाला जो बच्चा है वो जब एसएसबी के 5 डेज के प्रोसेस में जाता है, तो उसका भी 900 का टोटल स्कोर में से उसे स्कोर दिया जाता है, और इन दोनों स्कोर को मिला के एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसपे मैं अभी आने वाला हूं। तो ये एक पैटर्न समझ लीजिए, फिर समझिए मैथ्स के टोटल 2.5 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। जीएटी का भी 2.5 घंटे का पेपर है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीएटी और मैथ्स में थोड़ा अंतर होता है। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जीएटी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको, सीधे जैसे हिस्ट्री वगैरह है, इंग्लिश वगैरह है, ये सब इसमें कवर होता है, तो इसलिए उतने ही टाइम में 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 600 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया कि सेकंड, अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करते हैं, स्टेज वन बोलता हूं मैं रिटन टेस्ट को, अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आपकी एसएसबी के लिए डेट आती है, और जो भी जगह पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है वहां जाते हैं, वहां पर 5 डेज प्रोसेस होता है, जो मैं अभी सेशन के एंड में आपको पूरा उसका डिटेल के बाद डिटेल बताया जाएगा आपको। फिर आप अगर वो और रिटन टेस्ट के स्कोर को मिला के उनका जो उस साल का कट ऑफ है उसको क्रॉस करते हैं, तो आप फाइनली रिकमेंड होते हैं, नहीं तो नहीं होते। अब मैं बात करता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पे मुझे आपसे काफी डिटेल डिस्कशन करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन चीज लिखी होती है, एज लिमिट। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 एंड नॉट अबव 19.5। इसको लेके मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसको लेके मैंने पहले भी कई सेशन में बात की है, और आज फिर कर रहा हूं, और बहुत समझाते हुए कर रहा हूं कि आपका ये जैसे लिखा हुआ, जैसे मैंने इसमें जुलाई लिखा है, ये तो एनडीए 2020 के लिए लिखा हुआ है, जो 2020 का आया था। 21 में क्या होगा वो भी मैं बताता हूं। ये एक सेक्शन ऐसा है बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन होता है, और मुझे इसी सेक्शन पे आपसे बात करनी है, इसी सेक्शन पे आपसे बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है, क्योंकि ये अगर डिस्कशन कर लिया तो आपके आधे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो मैं बताता हूं डाउट नंबर वन, अगर कोई बच्चा 16.5 से 19.5 है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। पर ये सुनने के बाद जब कोई बच्चा मुझे बोलता, सर मैं 19 साल का हूं पर मैं एग्जाम नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आपको मैं बता दूं कि आप इसमें 1 के आसपास माइनस कर लीजिए, मतलब 15.5 साल से 18.5 साल वाला बच्चा एक्चुअल में देता है, वो एकेडमी जाने तक उसकी ये एज होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो इन सब में कंफ्यूजन ना पालें आप, मैं आपको सीधा लॉजिक बताता हूं। जैसे एनडीए 2 के लिए कभी भी किसी भी ईयर का एनडीए 2 देना, जैसे ये एनडीए 2 के लिए इन्होंने एक सिंपल सा लॉजिक दिया है कि आप 2 जुलाई, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2 जुलाई से 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। फिर समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, क्योंकि ये एक चीज समझ में आ गई आपकी तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखिए फिर समझिए, जब भी हम दो एग्जाम, दो तरह की चीज होती है, एक होता है एनडीए 1 का एज, एक होता है एनडीए 2 का एज, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि अगर एनडीए 2 में क्या एज देखी जा रही है 2020 में, तो अगर आप 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा था कितने अटेम्प्ट बचे हैं और कट ऑफ को लेके, वो पूरा क्लियर करूंगा।
चार के बीच में तो आप एनडीए टू के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं अगर एनडीए वन की बात करूं तो सीधा सीधा 2 जनवरी 21 के लिए 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जो बच्चा पैदा होगा वो एनडीए 121 दे सकता है। क्या समझे आप? 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005। अब कोई बच्चा अगर मान लो 1 जनवरी 2002 को हुआ है पैदा, एक दिन पहले, एक दिन का अंतर है तो भी एलिजिबल नहीं है, और कोई बच्चा 2 जनवरी 2005 को पैदा हुआ तो भी वो एनडीए 121 नहीं दे सकता, इसी एज के बीच में देगा। अब यही एनडीए 2 का है। अब मैं बात करूं एनडीए 221 की बात करूं, सीधा सीधा इसमें एक साल जोड़ लो, 2 में एक साल, 1 में एक साल, कहीं कंफ्यूजन मत रखिए, कोई लॉजिक नहीं है कंफ्यूजन का। अब देखिए एनडीए 2 2021, मैं यहां लिखूंगा 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005, खत्म। मैं बोलूं एनडीए 122, अब 22 आएगा तो इसमें एक साल जोड़ लीजिए, 2 देन 2003 से 1 जनवरी 2006, ऐसे 11 ईयर ऐड करते चले। यानी किसी भी ईयर में 21 की बात करें तो 21, 21 का ये कैलेंडर हुआ 22, इसमें एक साल, इसमें एक साल जोड़े 23, इसमें एक साल, इसमें, अब आप इनके बीच में ही होना चाहिए। तो कई बार कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं तो अभी 18.5 का हूं फिर भी एलिजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 18.5 का भी है पर इस डेट को क्रॉस कर गया तो नहीं होगा एलिजिबल। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको लेके बहुत बेटा आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप किसी से मत पूछो, आप सीधा लॉजिक लगाओ इस डेट से इस डेट के बीच में अगर हैं तो हैं, नहीं तो नहीं। अब कितने अटेम्प बचे, ये क्वेश्चन भी आपका होता है, सर 1 अटेम्प बचा है, 2 अटेम्प बचा है, 10th वाला बच्चा तो उसका तो बिल्कुल नेचुरल है, 11th वाला उसका भी, अभी जैसे एक मेरे पास कल फोन आया 12th के बच्चे का, उसका 3 साल पहले खराब हो गया था, उसने मुझे बोला सर मैंने तो अभी एक भी अटेम्प नहीं दिया फिर भी मेरे पास कोई अटेम्प नहीं। मैंने कहा आपका कहीं ना कहीं तो समय खराब हुआ होगा, बोले सर वो प्राइमरी समय में 3 साल एजुकेशन देले हुई, हो गई बात खत्म। तो एनडीए एक ही चीज देखता, और ये भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से। तो आपके कितने अटेम्प आने वाले समय में बचे हैं, आप एक तरफ लिखिए एनडीए 1, एक तरफ लिखिए एनडीए 2, एक एक साल बढ़ाते चलिए, खत्म। आपको खुद आपके डेट ऑफ बर्थ से जवाब मिल जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ सोचिए अप्रैल है, 4th, या अप्रैल नहीं मई भी है, मई मान लो 2002, ठीक है, अब 2 जनवरी 2002 और ये लिखा है 4-5, ये बच्चा एलिजिबल नहीं हो पाएगा एनडीए 1 में, ये प्रॉब्लम होती। कहता ये भी है कि सर मेरी एज तो है, तो क्या होता है महीने के साथ उसकी पूरे एकेडमिक कैलेंडर का उन्होंने सिस्टम बनाया है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ ये जो डेट है ये इंक्लूड होती है। तो डेट और एज को लेके बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बड़े आराम से आपको समझाया, ये एक चीज हुई। अब बात आती है कि एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर आप आर्मी विंग के लिए जाना चाहते हैं, यानी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आपका 12th क्लास में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, मतलब 12th आपका बायो से हो नो प्रॉब्लम, 12th आपका कॉमर्स से हो नो प्रॉब्लम, आर्ट से हो नो प्रॉब्लम। यानी अगर आप इंडियन आर्मी में जाते हैं तो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे बायो के स्टूडेंट हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के, नो प्रॉब्लम। यानी इंडियन आर्मी में जाने में आप किसी भी स्ट्रीम के चल सकते हैं, बट नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी होता है। यानी आप एक तरह से 11th 12th के पीसीएम वाले स्टूडेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल क्लियरली, और उन्होंने ऐसा नहीं, मान लो आपके पास केमिस्ट्री ना हो तो चलेगा, अब आने वाले समय में तो एजुकेशन में बहुत चेंजेस आने वाला है, नई एजुकेशन सिस्टम में आपकी मर्जी है, अगर आप 12th में केमिस्ट्री छोड़ दें नो प्रॉब्लम, बट सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इंडियन आर्मी में जाना है तो एनी स्ट्रीम नो प्रॉब्लम, बस 12th पास। और देखिए क्लियरली लिखा है 12th पास, परसेंटेज की बात कहीं नहीं की गई है। मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं, इतने समय से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास इंडिया के हर जगह के बच्चे यहां आए हुए एकेडमी में और आज ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह के, मतलब चेन्नई का बच्चा भी है तो दिल्ली का भी है तो बॉम्बे का भी है, हर जगह के बच्चे,
और जब बच्चे जुड़ते हैं तो जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम होती है, वो सब चीजें मैंने अपने इस सेशन में कवर करना चाहता हूं। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि 12th पास बोलते हैं, तो आप इंडियन आर्मी के लिए ये हो गया। तो इसलिए अगर बाई चांस आप 10th में हैं और 11th मूव में करने वाले हैं, तो मैं अगर बोलूंगा अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आप पीसीएम ही लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप क्लास 10th में हैं, मेरा सेशन सुन रहे हैं, सेशन सबके लिए काम का है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे तो आप तीनों विंग्स के लिए ओपन हो जाएंगे। मतलब इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवल एकेडमी में भी और एयरफोर्स में भी। बट अगर आपने मैथ साइंस नहीं लिया, मतलब फिजिक्स और मैथ्स नहीं लिया, तो आप दो ब्रांचेस से अपने आप ही कट जाएंगे। तो अगर 10th में है तो ऐसा करिए, और बाई चांस आप 11th 12th कर ही चुके हैं या 12th में और बायो या कॉमर्स के, तो नो प्रॉब्लम, फिर इंडियन आर्मी को आप टारगेट करेंगे। तो अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th क्लास में। ये एक चीज ध्यान रखिएगा बस। इसके अलावा और कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया एनडीए में नहीं होता है। जो क्राइटेरिया होता है वो टीएस में होता है, जिसका मैं अलग से एक सेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड इस सेशन में मैं पूरा फोकस एनडीए पे रख रहा हूं। तो ये बात हुई। अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस पूरा पूरा जो देखा जाए, अब आप मान लो, अब आप में से कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, भले ही आपको इंडियन आर्मी में जाना है ना, आपको जाना है इंडियन आर्मी में, तो भी आपको मैथ्स का पेपर तो देना पड़ेगा, यानी 11th 12th की मैथ्स का पेपर कंपलसरी है ऑल थ्री ब्रांचेस के लिए। तो मैथ्स तो पढ़नी है, इसीलिए मेरे साथ जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, तो मैंने काफी बेसिक से कोर्स बनाया हुआ है, तो उससे आराम से वो ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई कर पाते हैं। तो पूरा 11th और 12th का मैथ्स होता है, जिसमें बेसिकली मेजर टॉपिक लिखे हैं एलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 2D, 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब इन जनरल देखें, तो सिलेबस को देखें तो मैं बोलूंगा 11th 12th का कंप्लीट मैथ्स, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश की या इन बाकी सब्जेक्ट की, तो देखिए मैं बता दूं, इंग्लिश हो गया 200 मार्क्स का, एक इंग्लिश का सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें ग्रामर्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पर इंग्लिश एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैथ्स के बाद सेकेंड नंबर पे मैथ्स होता है, 3 नंबर पे, 300 पे, फिर जीएटी का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है इंग्लिश, जो होता है 200 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा। और 50 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं, बट इसका अलग से कट ऑफ नहीं देखा जाता। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसको मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल मिसगाइड ना हो। जो आपको ये बोलता है अलग अलग कट ऑफ देखे जाते हैं या कुछ वेबसाइट पे अलग अलग है मेंशन, वो 100% गलत है। यानी आपको याद रखना है कि एक पार्ट हुआ मैथ्स और एक पार्ट हुआ जीएटी। तो मैथ्स 300 के बाद जीएटी का सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश, जो 200 का है। फिर इंग्लिश के बाद बात करें जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की जब बात की जाती है तो इसको 400 मार्क्स में डिवाइड किया है, पर इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। मतलब इसमें बहुत सारे सेक्शंस में एक सेक्शन तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। फिजिक्स अप्रोक्सीमेट 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेट 50, बायो अप्रोक्सीमेट, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर इंग्लिश में फिक्स है 200। और लगभग 200 मार्क्स का आप जीएस एक जनरल बात बोल सकता हूं, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यानी सब कुछ, ये सब कुछ, वो भी लगभग 200 का। इस तरह से ये पेपर 600 मार्क्स का बनता है। तो अगर आप क्लास 10th 11th में हैं तो आपको एक काम करने की आदत डालना चाहिए, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना चाहिए एवरी डे, है ना, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ें, हिंदू पढ़ें। दूसरा, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो, और आप बाई चांस 10th में हैं, तो आप इंग्लिश में स्विच कर जाएं, क्योंकि ये भी एक कॉमन है। आप मेरे जितने पुराने वीडियोस में देखिए कमेंट, सर एसएसबी हिंदी में होती? नहीं होती भैया, इंग्लिश में ही होना है। और इसलिए इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है 200 मार्क्स का। इवन हमारे पास जो बच्चे आते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको भी मैं पहले दिन, इवन आप भी अगर इम्पिटस गुरुकुल ज्वाइन करने वाले, तो मैं आपको आज बता दूं मीडियम हिंदी हो तो भी मैं आपसे बोलूंगा हिंदी की बुक बंद कर दो, कम से कम इंग्लिश की बुक से पढ़ने की, मैथ्स की आदत डालो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, एक धीरे धीरे आदत डेवलप होती है। नहीं तो आप कैसे 200 मार्क्स में इंग्लिश स्कोर करेंगे और एसएसबी में कैसे क्वालिफाई होंगे? तो
कई बच्चे बोलते हैं सर वहां दूसरी कोचिंगों में तो हिंदी में ही देते हैं मटेरियल, आप क्यों नहीं देते। मैं बोलता हूँ फिर ठीक है आप देखो जरा उनके SSB के क्या होता है बच्चों के, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। जब आपको आगे जाके इंग्लिश का पेपर फेस करना ही है और वो भी इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का, केवल उसको छोड़ के चलो बाकी सब हिंदी में मिल गया, पर अगर आप 200 मार्क्स की इंग्लिश के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करो ना, उससे कम से कम एक डेवलपमेंट तो होगा। दूसरा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी? क्लासेस ज्वाइन करके नहीं होगी। 30 घंटे 30 आवर्स की क्लास से इंग्लिश किसी को नहीं आती। आप न्यूज़पेपर को रीड करना थोड़ा तेज चालू करें, मतलब उसको आप अगर बोलते हुए पढ़ेंगे मन में ना पढ़ें तो एक प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, दूसरा आपका कान जब इंग्लिश सुनने लगेगा तो आपको इंग्लिश की एक आदत पड़ेगी। तो ऐसे कुछ डेवलपमेंट मैंने इसलिए बोला, ये सेशन एक ऐसा सेशन है जो NDA की इंटायर इंफॉर्मेशन तो देगा ही देगा, साथ में वो हर एक चीज बता देगा जो आपके लिए अभी से आपको करना चाहिए। तो ये एक आदत डालो। अगर 10th 11th में है तो मीडियम स्विच कर लो इंग्लिश, 11th 12th में आ गए कोई बात नहीं, पर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत होना चाहिए, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इनके नोट्स बनाने की आदत डालो, पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखना चालू करो, जिससे कि आप डेवलपमेंट कर पाओ। क्योंकि कई बच्चे जब IIT के साथ NDA की बात करते हैं तो यही मिस्टेक करते हैं। IIT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना होता, NDA इज अ डिफरेंट एग्जाम। NDA में मैथ्स के बाद ये सब पे आपको अगर वर्ल्ड नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप ऑफिसर कैटर में जा रहे हो, तो आपको अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप कैसे किसी को कवर कर पाओगे। इसलिए ये एक चीज पे ध्यान देना है। तो अगर आपने इस चीज पे ध्यान दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसमें आपके हाइएस्ट कंफ्यूजन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कट ऑफ को लेके बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, कैसे देखा जाता है। देखिए, ये मैंने कई सारे ईयर के लिखे हैं, जैसे 2019 के 1 को मैंने किस ढंग से कवर किया, जरा आप देखें, आपको मजा आएगा देख के, समझ में आएगा। देखिए, जैसे 2019 में पहले कट ऑफ का मतलब समझिए, नंबर ऑफ रिकमेंड कैंडिडेट है 447, ये है 342, 342 मैथ्स प्लस GAT को मिला के मिनिमम, जिस बच्चे का आखिरी मार्क्स ये है वो बच्चा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके SSB के लिए रिकमेंड हुआ है, ये समझ लीजिए। अब इसमें एक वर्ड दिया है विथ एटलीस्ट 25% मार्क इन ईच सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैथ्स और GAT में मिनिमम 25 चाहिए। तो मैथ्स 300 का होता, समझना, यानी मैथ्स में 75 नंबर चाहिए और GAT में 150, पर इन दोनों को जब ऐड करते हैं यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और बच्चे इसको अभी कई बार समझ नहीं पाते। 225, फिर ये 342 का मतलब क्या है? ये एक चीज जिसने समझ ली उसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, उसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, यानी 117 जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उसका क्या? ये चीज कई लोग नहीं समझ पाते। पहले समझिए मिनिमम का मतलब है कि उन्होंने 2019 में ये डिसाइड किया कि दोनों पेपर में मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए, पर ओवरऑल कट ऑफ 342 है। अब आप ये जो बचे हुए 117 नंबर हैं, ये चाहे तो मैथ्स से स्कोर करें, चाहे तो GAT से स्कोर करें, चाहे दोनों मिला के करें। मतलब अगर कोई बच्चा मान लो यहां 150 स्कोर करता है, मान लो यहां 250 स्कोर करता है, इसको मिला के 400 होता है, देन ये क्वालिफाई। ये तो लास्ट कैंडिडेट है, हमें लास्ट कैंडिडेट को मैं बस आइडिया दे रहा हूं, ये सही आइडिया से आप काफी कुछ समझ पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक बच्चा GAT में 400 स्कोर करता है, एग्जाम्पल समझना, GAT में 400 स्कोर करता है और मैथ्स में 73 करता है, इसका एग्रीगेट 4753 है, बट ये डिसक्वालीफाई, क्योंकि इसने मिनिमम परसेंटेज वाले क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया। कोई बच्चा मान लीजिए मैथ्स में 250 स्कोर करता है और GAT में मान लो 140 स्कोर करता है, राइट? अब जब इनको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 390, क्वालिफाई से बहुत ज्यादा है बट डिसक्वालीफाई, क्योंकि इसका मिनिमम स्कोर कम है। तो एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। तो इन जनरल में अभी आपको कई सारे ईयर के दिखाता हूं, इन जनरल में बता दूं 25 से 30% के बीच मिनिमम माना जाता है। यानी अगर कोई बच्चा, समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा मैथ्स और GAT में मिनिमम 30% बोले तो 90 नंबर मैथ्स में
और 180 नंबर अगर जीएटी में स्कोर करे और ओवरऑल में वो 330 से 350 के बीच करे तो 99% चांस है कि वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को यहां बोलता हूं, हम 30-40% पे 25 पे क्यों अटके, हम 50-60-70% की तैयारी करें। कोई कारण ही नहीं है कि हमारा, क्योंकि रिटर्न स्कोर का आपको आगे जाके फायदा मिलता है। रिटर्न स्कोर, एसएसबी स्कोर मिलकर रैंक बनती है। तो ये तो लास्ट क्वालिफाई कैंडिडेट है। तो ये 342 और ये समझिए 704 का मतलब है जिस बच्चे का 704 एसएसबी के में और मतलब रिटर्न प्लस एसएसबी मिला के आया है, वो बच्चा आखिरी बच्चा सिलेक्ट हुआ। तो 704 में से सबसे पहले 342 आप माइनस कर लीजिए तो आपको कितना मिल गया, 362। यानी एसएसबी का 362 स्कोर हो गया उसका, 362 और 342। इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये रिकमेंड हो गया। तो लगभग लगभग जितना रिटर्न में होता है उसके आसपास ही हम एसएसबी मान सकते हैं। पर अब आपका अगर ये लास्ट कैंडिडेट है, यानी इसको सबसे आखिरी ब्रांच मिलेगी, आपकी मनपसंद ब्रांच, मान लो आपने एयरफोर्स ली, एयरफोर्स सबसे हाई जाता है, फिर नेवल, फिर आर्मी। तो अगर आपने सबसे आखिरी कैंडिडेट हो तो आपको फिर फर्स्ट ब्रांच नहीं मिल पाएगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 900 में से 500 प्लस अगर यहां कर लिया और 400 प्लस यहां कर लिया तो आप फर्स्ट ब्रांच के लिए लगभग क्वालिफाई हो जाते हैं। ये कंसेप्ट है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यानी आपको मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट समझना जरूरी है कि मिनिमम इतना इतना स्कोर और एग्रीगेट इतना स्कोर, इसका क्या मतलब है। तो ये लास्ट कैंडिडेट के जैसे मैंने कट ऑफ दिए हैं तो 2019 का मैंने आपको एक आइडिया दे, देखो जैसे यहां पे वैकेंसीज हैं, ये तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। जैसे ये देखिए, ये है 2018 के वन का। अब 2018 के वन का 338, वही जो मैंने बोला, और 25% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स और जीएटी से, नॉट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, याद रखिएगा। और फाइनल रिकमेंड हुआ है 705, 1800 में से, 1800 में से। हर साल लगभग ऐसे ही जाता है। जैसे ये देखिए, फिर 325, ये है 2018 टू का, और 25% मिनिमम, यहां पर 688 एग्रीगेट। यानी लगभग लगभग आप मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर 350 प्लस 350 अगर दोनों में कर ले, यानी रिटर्न में और एसएसबी में, वो डेफिनेटली क्वालिफाई हो गया, मतलब रिकमेंड हो जाएगा, फाइनल रिकमेंड हो जाएगा। बट ये आखिरी कैंडिडेट के, जितने अच्छे स्कोर करोगे उसका फायदा उतना मिलेगा। तो अगर आप क्लास 10th 11th में हैं तो मैं कहूंगा अभी से पढ़ाई चालू कर दें, कंसेप्ट बना के करें। और एनसीईआरटी समझ लीजिए इसके लिए बेस्ट बुक होती है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बाइबल है। मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इनके लिए तो ये बाइबल है, कोई डाउट ही नहीं। इसको कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये एक चीज आपको समझ के चलनी है। ये देखिए, जैसे 2017 वन का, फिर देखिए 25% मिनिमम, 342, 700 है, वही बिल्कुल लगभग। इसलिए मैंने बोला ये 350, 350 में वो बोल रहा हूं, यहां पे थोड़े ज्यादा होगा, मतलब 360 मान लो। तो अगर आपने 350, 400 कर लिए, आप रिकमेंड है। इस तरह से आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए अगले साल का देखें, 2017 का टू का, फिर 25%, आप देखो और कम गया, 258 केवल और 624, कितना कम। ये 18 में से है, ये 900 में से, आप खुद देखिए। तो हर साल का अगर आप कभी भी डेटा उठा के देखें, ये मैंने इसलिए आपके लिए कलेक्ट किया, ये देखिए 288, ये 656, कब का है ये 2016 का है, पेपर टफ था 2016 का तो ये हुआ। ये देखिए एक, ये 2016 का, ये कब का है, 2016 टू का, काफी टफ पेपर आया था, काफी कम, 20% ही उन्होंने मिनिमम कर दिया था, सोचिए 20% भी मिनिमम गया है। तो 229 और ये देखिए 602। अब यहां पे तो मैं बोलूं कि 350, 350 तो सोचो कितना अंतर आ गया। तो यानी ये एक चीज आपको समझने की है। अब देखिए 30% भी गया, इसलिए मैंने आपको बताया अभी तक का देखें तो 306, ये 674, ये 2015 का है। ऐसे मैंने काफी सारे आपके लिए निकाले। देखिए ये 25% के साथ 269, ये 637, ये 2015 टू का है। ये देखिए 2014, 35% भी गया है, 360 और ये 722। ये 2014 वन का है, पेपर इजी आएगा तो थोड़ा हाई जा सकता है,
2014 का ही देखिए, ये 283 30% के साथ 656। यानी अब हम यहां पर एक चीज समझ लें लॉजिकली कि अगर आप सीरियस हो एनडीए को लेके, एनडीए के साथ साथ अगर एनडीए को लेके सीरियस हो तो आप अपने लाइफ का एक फॉर्मूला बना लो, मिनिमम 40%। यानी अगर 120 नंबर मिनिमम मैथ्स में और 240 नंबर मिनिमम जीएटी में लाते हैं और इन दोनों का एग्रीगेट 360 होता है, इससे ऊपर कभी नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 40% लीस्ट पे जाएं तो आपका कोई रीजन नहीं है कि कोई रोक सके, कोई रोक सके, नो नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको ये बोल सकता हूं, हम लोग जो क्लासेस भी लेते हैं, ऐसा कोई बच्चा शायद ही हो जिसका मैथ्स में 50-60% से कम बनता है, क्योंकि पढ़ाई इतने बेसिक से जाता है, ऐसे जीएटी में भी होता है। तो अब आपको तो रिटर्न बहुत निकाल लेते हैं, कई बच्चे एसएसबी में गड़बड़ कर देते हैं, रिटर्न ऑनलाइन में भी बहुत निकलते हैं, क्लासरूम में भी 25 से 50% के बीच में, बट कई बार एसएसबी में रह जाते हैं। इसलिए सेशन में मैं एसएसबी का भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, भले ही लॉन्ग वीडियो है पूरा देखिएगा, तो वो पूरा प्रतीक सर कंडक्ट करेंगे, वो एक्सपर्ट भी हैं, वो आपको हर छोटी छोटी चीजें बताएंगे कि अगर आप क्लास 10th में या 11th में या 12th में हैं तो आपको क्या चीजें हैं जो डेवलप करना चाहिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो क्या करें कि इंग्लिश के लिए आप अभी से एफर्ट लगाएं, जीएस कैसे इंप्रूव करें, हिस्ट्री कैसे करें, पॉलिटी कैसे करें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, अभी से क्या चीजें हैं जो ध्यान देनी वाली हैं, क्योंकि एसएसबी याद रखिएगा केवल 10 दिन की ट्रेनिंग पार्ट नहीं है, आपकी सालों की लाइफ की मेहनत है। तो वो आपको डिटेल में बताएंगे, अभी मैं बस ये बता दूं आपको, उसके बाद मैं उनको बोलूंगा कि वो आपको डिटेल दें। तो अब आपको करना ये चाहिए कि आप अपने लाइफ का एक फॉर्मूला बना लें, अगर इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 50-50% को भी टारगेट कर लें तो कोई रीजन नहीं है कि आपका एनडीए रुक जाए। तो ये एनडीए की मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, एज क्राइटेरिया, कट ऑफ, सिलेबस, क्या करना चाहिए, वो रेगुलर सेशन होते ही हैं, आप चाहें तो इम्पिटस गुरुकुल के साथ जो सेशन देखते ही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस से, पेनड्राइव कोर्स से या क्लासरूम कोर्स से, क्लासरूम कोर्स भी अब ओपन हो जाएंगे, जुड़ सकते हैं। एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ने से हमेशा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एसएसबी रिजेक्शन रेट नो डाउट बहुत हाई है, लगभग लगभग 99%, यानी 100 में से एक या दो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, बट अगर आपने अंदर ठान लिया कि डिफेंस में जाना है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक ले। तो अब बची हुई डिटेल को अगले मैं बोलूंगा कि प्रतीक सर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि एसएसबी के लिए क्या करना है, जो जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई वो सब कवर करेंगे। तो आप इस सेशन को पूरा एंड तक सुनिए, फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें या मुझे मैसेज करें, हम नेक्स्ट सेशन जो लेंगे वो आपके डाउट्स को उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि दूर हो जाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग द डिस्कशन, जहाँ पे सर ने बातें छोड़ी थी उसी के आगे हम लोग अपनी बातचीत को या डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस सेशन में, एंड जो भी अदर एस्पेक्ट्स रह गए हैं जिनको अभी हमें आगे डिस्कस करना है, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जाम में हमको रॉन्ग मार्क्स की पेनल्टी के बारे में बात करनी है एनडीए के एग्जामिनेशन में, क्योंकि काफी बड़ा एग्जाम है, आपने दो पेपर देने हैं, कई सारे वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह को पढ़ना होता है, काफी सारे सवाल दोनों क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, तो एक बात का अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी वगैरह है। ठीक है, कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि पेनल्टी वगैरह है या नहीं है इस तरीके से, तो यस, लेट अस बी वेरी स्ट्रेटली क्लियर अबाउट दैट कि एनडीए के पेपर में अगर आप नेगेटिव आंसर, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, देर इज अ पेनल्टी फॉर नेगेटिव फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो कितनी पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, अगर आपने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो फिर उस केस में आपके 1/3 या फिर 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे पर क्वेश्चन। अगर आपने गलत आंसर दिया तो फिर आपका 1/3 या फिर 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे उस पेपर में, एक क्वेश्चन का जितना भी मार्क होगा उसका 1/3 फिर आपका कटकर अलग हो जाएगा। अगर अब आपके पास में चार ऑप्शंस हैं या फिर चार बबल हैं, आपको इन चार बबल्स में से कोई एक बबल फिल करना है, लेट से आपने बबल नंबर सी को फिल कर दिया, ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन सही है तब तो कोई इशू की बात ही नहीं है, आपको इसके जितने भी मार्क्स मिलने थे उतने उतने मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। अज्यूमिंग कि आपका बबल नंबर सी जो आपने भरा था ये गलत है, तो फिर उस केस में आपके 1/3 मार्क्स कट गए। अब अगर
आपने एक की जगह दो बबल्स को फिल कर दिया, अगर आपने एक की जगह पे दो बबल्स को फिल कर दिया, बबल बी और बबल सी दोनों को आपने फिल कर दिया, एंड बबल बी जो है वो करेक्ट आंसर था, मगर तब भी आपके ये जो रिस्पॉन्स है इसको रॉन्ग माना जाएगा, और इस केस में भी आपका 1/3 या फिर 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। इस बात का अपने को बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत आंसर दिया तब तो खैर 1/3 मार्क्स आपके कट रहे हैं, बट अगर लेट से आपने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भरे हैं, आपने अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिए, ए बी सी डी चार आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने बबल सी बबल बी दोनों भर दिया, या फिर लेट से तीन बबल भर दिया या फिर चार बबल भर दिए, फॉर दैट मैटर आपने चारों बबल्स को भर दिया, उस केस में भी अगर इनमें से कोई एक आपका सही आंसर है तो भी आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, या फिर इसको एक रॉन्ग आंसर के तौर पर या फिर एक रॉन्ग रिस्पॉन्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगर आपने क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया, अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं फिल किया, उस केस में फिर ये होगा कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसको अनअटेम्प्टेड काउंट किया जाएगा और आपके कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, पहली बात कि इस एग्जामिनेशन में रॉन्ग आपके अगर आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं तो उसके लिए पेनल्टी है। पहली बात, पेनल्टी कितनी है, 1/3 मार्क्स या 0.33 आपके डिडक्ट हो जाएंगे या फिर कट जाएंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आपने एक से ज्यादा रिस्पॉन्स दिए तो भी भले ही उन एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज में से कोई एक रिस्पॉन्स अगर सही है तो भी आपका वो जो रिस्पॉन्स है उसको गलत कंसिडर किया जाएगा, रॉन्ग आंसर आंसर कंसिडर किया जाएगा, और 0.33 मार्क्स जो है वो तब भी उसमें से डिडक्ट होंगे या कट जाएंगे। एंड अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया, अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, चारों में से कोई भी अगर आपने बबल नहीं फिल किया, उस केस में फिर आपके मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये तो बात हुई आपके रॉन्ग आंसर्स में कटने वाले मार्क्स वगैरह की या नेगेटिव मार्किंग की। अब हम लोग आते हैं कम्युनिकेशन वगैरह। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने फॉर्म वगैरह में कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी है कि अब आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है यूपीएससी से, या फिर पूरे एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर के दरमियान ऐसा हो सकता है कि आपने आर्मी को कुछ से कम्युनिकेट करना है, या फिर रिस्पेक्टिव कोई जो दूसरी ब्रांच है जिसके लिए आपने अप्लाई किया उससे अगर आपने कम्युनिकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन सिलेक्शन एसएसबी व्हाटसोएवर, तो अगर आप इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन वगैरह कमीशन के साथ में करते हैं या फिर हेंस फोर्थ आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में अगर आपका कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें अपने को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप वो कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो उस एग्जाम का नाम जिसके लिए आपने अप्लाई किया था और वो ईयर जिसके लिए आपने ये पेपर दिया है, ये बात आपको मेंशन करना पड़ेगी। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तब एक आरआईडी नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होती है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कोट करना पड़ेगी कि भाई मैं इस एग्जाम में बैठा था, इस साल में बैठा था और ये मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है। उसके बाद में आपका रोल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर रोल नंबर इशू हो गया है, अगर रोल नंबर इशू हो गया है और उसके बाद कोई बात आ रही है तो उसके लिए आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका कैंडिडेट का नाम, एग्जैक्टली वही नाम जो आपने आपका जो जो क्वेश्चन आपका जब एग्जाम का फॉर्म आप भर रहे थे उसमें आपने जो नाम दिया था एग्जैक्टली वही नाम, उसमें कोई चेंज नहीं, और वो ब्लॉक लेटर में आपको डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद में पोस्टल एड्रेस जो भी आपने अपने एप्लीकेशन में दिया था वो पोस्टल एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी अगर किसी कारणवश आपको यूपीएससी के साथ में या फिर उसके बाद जब तक एग्जाम का प्रोसीजर चल रहा है या फिर इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव टू कम्युनिकेट इधर विद यूपीएससी और विद एनी ऑफ द विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेज रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन और योर सिलेक्शन प्रोसीजर, देन यू हैव टू बी इन पोजेशन ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मेंशन करना पड़ेगी, आपका नाम, एग्जाम का नाम और जिस साल वो कंडक्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका रोल नंबर अगर वो आपको रिसीव हो गया था, वो आपको मिल गया था, इसके बाद में आपका पूरा नाम जो एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेंट के तौर पर अपना डाला था, पोस्टल एड्रेस जो आपने एप्लीकेशन वगैरह में दिया था, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको देना ही पड़ेगी, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको बताना ही पड़ेगी। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं या फिर 11th से 12th में आए हैं, उनके कई सारे डाउट्स हैं, उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वो बच्चे जो फिलहाल 11th क्लास में हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर आ गया है, भले ही जब तक एनडीए का पेपर कंडक्ट होने वाला हो तब तक वो 11th पास करके 12th में आ जाएं,
वो एलिजिबल नहीं है, या फिर वो बच्चे जो 11th में भी पढ़ रहे हैं, वो चाहे पास होके 12th में आए या ना आए, वो लोग एनडीए के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। या फिर जब पेपर कंडक्ट होना शुरू हो गया तब तक वो 11वीं से पास करके 12वीं में आ गया तो भी वो एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ साथ 12th के वो बच्चे जिनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, या फिर जब अकेडमी ज्वाइन करने के दिन तक जिनकी 12वीं की मार्कशीट वगैरह नहीं आएगी, वो लोग जो है वो एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। यानी कि कैसा बच्चा जो आपका अभी अभी लेट से जुलाई के महीने में 12th क्लास में आया है और सितंबर अक्टूबर में एनडीए का पेपर होने वाला है, तो उस एनडीए के लिए 12th क्लास का बच्चा एलिजिबल नहीं है। रीजन यह है कि जब तक पूरा प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट होगा, जब तक ये प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट होगा तब तक इनके पास में पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या मार्कशीट्स वगैरह ये पोजेशन में नहीं रखेंगे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, 11th क्लास के बच्चे या फिर वो बच्चे जो जिस दिन अकेडमी ज्वाइन करनी है उस दिन तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पोजेशन में नहीं है, वो सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एंड अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो 12th पास कर लिए हैं मगर उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आए, तो फाइनल सिलेक्शन के पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आगे एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, किसी भी सूरत हाल में ये बात एंटरटेन नहीं की जाएगी कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड आपको एकेडमी में एडमिशन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। बाय द टाइम और द बाय द डे व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द एकेडमी, यू हैव टू बी इन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, क्लास 10, 12th मार्कशीट एंड ऑल अदर स्टफ। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब फ्लाइंग ब्रांच के बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। वो कैंडिडेट्स वगैरह जिन्होंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है एयरफोर्स की, उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जिससे जिसका नाम रखा गया है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, CPSS, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS। ये वो व्यक्ति जिसने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया है, एयरफोर्स में भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, उसको ये टेस्ट कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ये टेस्ट आपको देना पड़ता है। इसको कई बार पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट या PABT भी कहा जाता है। ये टेस्ट जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और अगर आप ये टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाते ना। आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं या नेवी के, फिर अगर आप नेवी के अगर आप एयर विंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रह जाते। तो एक बात हमको ध्यान में रखनी है, वो व्यक्ति जो पायलट बनने के लिए अप्लाई कर रहा है उसको SSB वगैरह के बाद में भी एक एक टेस्ट जो है वो आपका देना पड़ता है, वो है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS या फिर पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। और सिर्फ वो व्यक्ति जो इन टेस्ट को क्लियर करता है सिर्फ वही जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए कंसिडर किया जाता है। ये टेस्ट जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू इट, उसके बाद में भले ही आपकी SSB निकले ना निकले डजेंट मैटर, उसके बाद में अगर आप कभी बाद में SSB वगैरह क्लियर करते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। अगर आपने नेवी के लिए अप्लाई किया है और वहां पे आपने ये टेस्ट दे दिया और वहां पे आपने पास कर लिया तो उसको यहां पे कंसिडर किया जाएगा बाद में, अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं किसी दूसरे एंट्री वगैरह में। या फिर अगर आपने वहां फेल हो गए पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में तो फिर यहां पे भी एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, और यहां पर अगर पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में आप पास नहीं हो पाए तो फिर कहीं और भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए कुल मिला के यू विल नॉट बी एलिजिबल, आपको फिर फ्लाइंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई लोग फिर हंसी मजाक में इस टेस्ट को ले लेते हैं, उससे फिर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर फाइटर पायलट बनने का या फ्लाइंग में जाने का सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि PABT या फिर CPSS का टेस्ट एग्जाम जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक इट यू विल बी eligible to join the flying branch, in case you won't ever be able to join the flying branch in Indian Armed Forces. Let us be very clear and straight about that. Having said that, we'll be moving further. और कई लोग ऐसे होते हैं जिन जैसे अगर एयरफोर्स की SSB वगैरह के लिए गए और वहां पर लेट से उन्होंने SSB क्लियर करी बट PABT का टेस्ट क्लियर नहीं किया, तो फिर उस केस में उनको फ्लाइंग के लिए तो कंसिडर नहीं किया जाएगा मगर उसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटीज वगैरह है उस वक्त पे लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। तो ये बात एक अपने को ध्यान में रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जब आपका SSB का आप जब SSB के थ्रू रिकमेंड हो जाते हैं, जब SSB आपको रिकमेंड कर देती है, फिर 4 से 5 दिनों का आपका पूरा मेडिकल का प्रोसीजर चलता है। उसमें आपकी पूरी बॉडी को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, किसी तरीके की कोई लिमिटेशन तो नहीं है, कोई अबनॉर्मेलिटीज वगैरह तो नहीं है। ना सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी फिटनेस ठीक हो, आपका शरीर वगैरह ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बट
साथ ही साथ ये भी चेक किया जाता है कि लॉन्ग रन में ऐसी कोई संभावना तो नहीं है जिसके कारण फिर आपको आने वाले वक्त में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह हों या इस तरीके के इश्यूज हों। फ्लैट फुट तो नहीं है आपके आपके घुटने वगैरह तो नहीं मिलते, कहीं पर कोई ऐसा फ्रैक्चर तो नहीं हो गया जिसके कारण वो गलत जुड़ गया हो, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह भी आपके देखे जाते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप क्योंकि आर्म फोर्सेज में आना चाह रहे हैं तो यू शुड बी फिजिकली फिट, यू शुड बी फिजिकली फिट। अब हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे एसएसबी के बारे में। आपने नेशनल डिफेंस ये सब तो खैर जो भी बातें थी हो गई, अब हमने मेन बात करनी है अबाउट एसएसबी। आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन दिया और उसको आपने क्लियर कर लिया, वेल एंड गुड है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपके पास में आता है एसएसबी का कॉल, जो भी आपने चॉइस ऑफ सर्विस दिया था आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है उसके लिए आपको आता है एसएसबी का कॉल। एंड आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर जगह पर आपने जाना है और आपने वहां पर रिपोर्ट करना है। वहां पर अब आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एसएसबी इंटरव्यू होगा जो ये टेस्ट करेगा कि आप डिफेंस फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप में वो कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है। एसएसबी का जो पूरा इंटरव्यू होता है या एसएसबी की जो पूरी प्रोसीजर होती है ये 2 स्टेजेस में होती है, एक स्टेज वन और एक स्टेज टू। स्टेज वन को स्क्रीनिंग भी बोला जाता है और स्टेज टू में 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है साइक का, एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और एक जो है ग्राउंड पर आपके टेस्ट होते हैं उनको जीटीओ बोला जाता है। ये 3 टेस्ट जो हैं इन तीनों टेस्टों टेस्ट के थ्रू एक ही चीज को चेक किया जाता है, वो है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी। कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है अगेंस्ट 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के अगेंस्ट में किसी भी कैंडिडेट की पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हैं, ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज मस्ट मानी गई हैं अगर एक व्यक्ति एज एन ऑफिसर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है। तो एसएसबी ने एक पर्टिकुलर अपना सिलेक्शन सिस्टम बनाया है जिसमें ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का पोजेशन मस्ट माना गया। अगर आपके व्यक्तित्व में आपकी पर्सनालिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है या फिर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड आप मीट नहीं करते हैं तो फिर एसएसबी आपको रिकमेंड नहीं करेगी, एसएसबी फिर आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एसएसबी क्लियर करें तो फिर उसके लिए आपको इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफी वीडियोस वगैरह डाले हैं, आप उनको वहां पर डिटेल में इन सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में जो भी डिस्कशन है उसे देख सकते हैं। अब चाहे आपका साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यूइंग अफसर का टेस्ट हो, चाहे आपका जीटीओ का टेस्ट हो, हालांकि वो अलग अलग टेस्ट हैं। साइकोलॉजी का टेस्ट एक प्योरली अप्लाइड साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें आपसे कुछ स्टोरीज लिखवाई जा रही हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखवाए जा रहे हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिखवाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर भी चेक आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपका व्यक्तित्व ही हो रहा है। इसी तरह से अगर आप इंटरव्यूइंग अफसर की बात करें तो वो आपसे कुछ 1-to-1 डिस्कशन कर रहा है, मगर उस 1-to-1 डिस्कशन में भी जो बातचीत वो कर रहा है, जो चीज वो टेस्ट कर रहा है, जो असेसमेंट वो कर रहा है, वो आपके व्यक्तित्व का या आपकी पर्सनालिटी का कर रहा है। और यहां पर भी वो इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को ही तलाश रहा है। एंड यही बात ग्राउंड पर हो रही है, जीटीओ के जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं यहां पर भी आपके ऊपर प्रेशर डाल के ग्राउंड में कुछ चीजें करवाई जा रही हैं, टाइम लिमिट के साथ में इन प्रेशर आपसे कुछ चीजें करवाई जा रही हैं और उसमें फिर ये देखा जा रहा है कि आप में ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है, निकल कर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हर जगह पर अल्टीमेटली आपकी जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो अलग हो जाती हैं, मगर जो चीज चेक हो रही है वो एक ही है, वो हो आप या फिर आपका व्यक्तित्व या फिर आपकी पर्सनालिटी। आपका व्यक्तित्व कैसा है वही चीज हर जगह पर चेक हो रही है, वही चीज जो है हर जगह टेस्ट की जा रही है एंड उसी के बेसिस पर फिर आपका असेसमेंट वगैरह किया जाता है। तो कई लोग अगर ये बोलते हैं कि मुझे एसएसबी के लिए क्या करना चाहिए, जवाब है आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा कि आप एसएसबी के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, आप उस तरीके की कैपेबिलिटीज अपने अंदर डेवलप कर सकें जो एक मिलिट्री कमांडर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे। वो लीडरशिप वगैरह की सारी क्वालिटीज वगैरह आपके अंदर होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट सेक्शन लेक्चर्स में हम लोग इनके बारे में बातचीत भी करेंगे, वो काफी डिटेल में बातचीत करेंगे, काफी सारे वीडियोज के ऊपर पहले से डले हुए हैं, वो आप लोगों ने आई होप देखे होंगे एंड नहीं देखे हैं तो फिर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यू विल बी गेटिंग अ फेयर आइडिया अबाउट द एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर एंड हाउ एसएसबी इज गोइंग टू टेस्ट द कैंडिडेट अगेंस्ट द 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो सारे टेस्ट वगैरह में अल्टीमेटली होना यह है कि आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है और अगर आप
आपकी पर्सनालिटी उनको लगती है दैट फिट है, इसमें आपकी ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिख रही हैं, तो फिर आपको रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड होने के बाद में फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में 4-5 दिनों का मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें आपको अंदर से बाहर से हर तरीके से टेस्ट किया जाता है, आपकी सारे तरीके से आपको एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है आपके साथ में, और अल्टीमेटली फिर आप इसके बाद में आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अब आपने एनडीए के रिटर्न एग्जामिनेशन में जो जितने मार्क्स वगैरह स्कोर किए थे प्लस एसएसबी ने आपको जो मार्क्स दिए हैं उसके बेसिस पर फिर आपकी मेरिट बनती है, और उसके बेसिस पर फिर फाइनली आपकी रैंक आती है, और उस रैंक के बेसिस पर फिर आपको सर्विस वगैरह का अलॉटमेंट होता है। अगर आपकी अच्छी रैंक आई है और जिस तरीके की वैकेंसीज वगैरह हैं उसके बेसिस पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी जो भी चॉइस ऑफ सर्विस है वो आपको मिलती है, और अगर आप एलिजिबल नहीं है आपके रैंक के अनुसार या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनुसार आपकी चॉइस ऑफ सर्विस के लिए, तो फिर आपको दूसरी सर्विस वगैरह या दूसरी चॉइस वगैरह दी जाती है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट होता है, एंड इसके बाद में फिर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल गुजारने के बाद में अल्टीमेटली यू विल बी ज्वाइनिंग योर रिस्पेक्टिव एकेडमीज। अगर आर्मी के लिए हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएंगे, अगर नेवी के लिए हैं तो एयरफोर्स एकेडमी जाएंगे, और अगर नेवी के लिए हैं तो फिर आप नेवल एकेडमी जाएंगे, और अगर एयरफोर्स के लिए हैं तो फिर आप एयरफोर्स एकेडमी जाएंगे। वहां पर फिर आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह जो भी है कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फाइनली यू विल बी कमीशन एज एन ऑफिसर। Finally, you will be commissioned as an officer in the armed forces, and then you start your career within the army, navy, or air force. And वहाँ से फिर एक challenging career, एक बड़ी जबरदस्त जिंदगी की शुरुआत होती है, जो अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है, इस तरीके की थ्रिलिंग लाइफ आपको मतलब कहीं और मिल नहीं सकती। एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट दुनिया में लेकर जाता है, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके की जिंदगी जीने का मौका देता है, विच अ सिविलियन कैन ओनली थिंक अबाउट। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता एंड ऑल दैट। ये सारे सेशन में जो भी बातें वगैरह आपके साथ की गई हैं, इन सबको सुनने के बाद में अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस वगैरह कमेंट्स में लिख कर दे सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका सेशन रहेगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको एड्रेस करेंगे, एंड जो भी आपकी डिफरेंट क्यूरीज वगैरह निकल कर आती हैं, जो भी फर्दर डाउट्स निकल कर आते हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। सो बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन एक बार हम लोग इसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप। सबसे पहले नेशनल डिफेंस अकेडमी का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जिसके बारे में सर ने बहुत डिटेल में बात करी है। इसके बाद में आपकी एसएसबी का कॉल आता है, एसएसबी के कॉल के बाद में अगर आप रिकमेंड होते हैं तो उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद में फिर आपकी मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बाद में आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं, एकेडमी वगैरह, और उसके बाद में रिस्पेक्टिव सर्विस एकेडमी के बाद में फाइनली आप कमीशन होते हैं, और कमीशन होने के बाद में अल्टीमेटली यू आर एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ योर सर्विस इधर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और यहाँ से फिर एक चैलेंजिंग लाइफ जो है वो शुरू होती है, यहाँ से फिर एक शानदार जिंदगी, एक ऐसी लाइफ जिसको वर्ड्स में शायद डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, उस वो शुरू होती है, एंड देन इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। तो यहाँ तक में जितने भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह निकल कर आते हैं, जो भी आप लोगों के क्यूरीज वगैरह हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं इस पूरे डिस्कशन वगैरह में, आप पूछ सकते हैं, इनको फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करेंगे। एसएसबी से रिलेटेड वेरियस छोटे छोटे सेशंस आगे होने वाले हैं, किस तरीके से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करना है, क्या आपका प्रोसीजर होना चाहिए अपने आप को तैयार करने का, उस सब के बारे में भी बातचीत की जाएगी। सो आप उन सारे सेशंस को भी देख सकते हैं, एंड उन सारे सेशंस को देखकर भी आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना है, ताकि आप एसएसबी के सामने वैसा व्यक्तित्व लेकर जा सकें जिसके बेसिस पर एसएसबी फाइनली आपको रिकमेंड कर सके। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड द सेशन। इस सेशन में जो भी फिर आई होप सो आप लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे, काफ़ी सारे जो आपके
इश्यूज रहते हैं, काफी सारी जो भ्रांतियां हैं वो सब दूर हुई होंगी। इसके बाद में भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में भी अगर आप लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ वरीज हैं, कुछ क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, जो भी हैं, आप लोग चैट विंडो में आप कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं एंड उनको फिर हम लोग एड्रेस करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन वट एवर द क्वेश्चंस, वट एवर द डाउट्स, वट एवर द कमेंट्स यू चैप्स आर गोइंग टू गिव अस। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें एंड कीप द मोरल हाई, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड जय हिंद।